तेरा सच्चा सौदा के 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी का वारिस कौन बनेगा, ये बात सबके जहन में चल रही है। आखिरकार कौन है वो जो राम रहीम के बाद उसके डेरे पर अपने पैर पसारेगा? अब इसको चुनने की कवायद तेज हो गई है। जी हाँ, दरअसल साध्वी से रेप के मामले में दोषी राम रहीम के गांव गुरुसर मोड़िया में परिवार की पहली बैठक हुई, जिसमें सहमति बन गई कि नया डेरा चीफ बेटे जसमीत को बनाया जाएगा। नया डेरा चीफ तय करने के लिए हुई बैठक को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। इसमें राम रहीम की माँ नसीब कौर, पत्नी हरजीत कौर और बेटा जसमीत ही शामिल हुए। दोनों बेटियां और गोदली हुई बेटी हनीप्रीत बैठक में मौजूद नहीं थी। बैठक के बाद परिवार ने रोहतक जेल में बंद राम रहीम से मिलने के लिए जेल अफसरों से समय मांगा है। यानी कि डेरा चीफ की मुहर लगने के बाद नए डेरा चीफ के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें उनके बेटे का नाम अब सामने निकल कर आ रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।